गाइस वेलकम बैक टू चैनल। सो अभी आ गया हूँ मैं एक नए प्लेस पर, नए लोकेशन पे, और आप देख पा रहे हैं चारों तरफ मेरे पहाड़ियाँ हैं, हरे भरे मौसम है। सो अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं यहाँ पर आ गया हूँ। वाराणसी से निकला था लगभग 4 बजे 4 AM में। सो यहाँ पहुँच गया हूँ, ये बहुत ही अमेजिंग वाटरफॉल है। सो मैं यहाँ से आपको पूरा का पूरा व्यू दिखाने वाला हूँ। और एक अच्छी बात है, ये वाटरफॉल जो है वाराणसी के सबसे नियरेस्ट वाटरफॉल में से आता है ये। देखिए ये अभी यहाँ पर ये लिखा हुआ अंदर जाना मना है, हालांकि नॉर्मली ये मना होता है, बट अभी अर्ली मॉर्निंग में आए हैं तो हम लोग जा सकते हैं। और मैं यहाँ मिनिमम कम से कम आप यहाँ पर 15 से 20 बार आ चुका हूँ, क्योंकि नियर है घर से तो कई बार आना जाना हुआ है, तो हमें पता है सेफ्टी किधर जाना है, कहाँ जाना है। सो हम जा रहे हैं, बट अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो वीडियो देख कर बिल्कुल भी अकेले जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि पूरी जंगल जैसा है और पूरा आपको व्यू दिखाऊँगा ही। सो उस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अभी हमें ट्रैकिंग स्टार्ट किए हुए अराउंड 30-40 मिनट्स हो गए हैं, और अभी तक हमने अराउंड 50% की जो दूरी है वो तय करी है। और ये काफ़ी आप देख पा रहे हैं, पीछे पूरा पहाड़ है, हिल है काफ़ी ऊंचा, और काफ़ी पेड़ है यहाँ पर, तो बहुत ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। सो यहाँ पर 10-15 मिनट की रेस्ट करने के लिए बैठे हुए, क्योंकि थोड़ी स्वेटिंग हो रही थी, तो बस वो इन्जॉय कर रहे हैं, रिलैक्स करेंगे और थोड़ा बहुत इन्जॉय करेंगे, क्योंकि यहाँ पक्षी मॉर्निंग है ना, तो बर्ड्स की चर्पिंग्स वगैरह बहुत प्यारी लग रही है। हालांकि कैमरे में आप लोगों को आवाज़ नहीं आ रही होगी, बट यहाँ बहुत सुकून है। सो मैं वो इन्जॉय करता हूँ, उसके बाद फिर आगे चलते हैं हम लोग। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a क्या? चलो साथ में घूमते और खाएंगे, आ जाओ आ जाओ। ये साथ में फ्रेंड्स देखिए हमारे साथ साथ में घूम रहे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फ्रेंड्स कितना प्यारा व्यू है, जगह जगह से पानियां बह रहे हैं। चलो आगे आगे चलो, रास्ता दिखाओ मेरे को, आगे चलो रास्ता दिखा तब तो, आ जाओ। फ्रेंड्स ये हमारे साथ साथ घूम रहे डॉगी। फ्रेंड्स हमने अभी से बस 4-5 बिस्किट ही खिलाया है, और कहा जाता है ना कुत्ते सबसे वफादार होते हैं, रोटी के टुकड़े भी दे दो कभी नहीं भूलते हैं। ये देखो ये हमारे पूरा साथ साथ घूम रहा, पूरा अंदर तक जा रहा हमारे।
रास्ते थोड़े से टेढ़े मेढ़े हैं, टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं थोड़ा, बट इन पर से ही होकर जाना है। फ्रेंड्स देखिए कितना प्यारा व्यू है और थोड़ा रिस्की भी एक्चुअली, और ये सूखा सूखा है इसलिए थोड़ा जाना पॉसिबल है इधर से, बट रेनी सीजन में ना ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाते हैं क्योंकि इनके ऊपर इन पत्थरों के ऊपर ना ये जो ब्राउन ब्राउन दिख रहे हैं आपको ना, ये काई होती है जो ड्राई होती सूखी होती है, जैसे हल्के पानी लगते हैं ना वो दिखता तो नहीं है, लगता है पत्थर ही है बट बहुत तेज स्लिप करता है। सो रेनी सीजन में जब बारिश हुई हो तो अनलक नहीं होता, इवन यहाँ पहुँचना और या फिर यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है, उसके पीछे यही रीज़न होता है क्योंकि पास बने रास्ता तो है नहीं आने का, बस आने जाए थोड़ा सा पास बना होता है, निशान बने होते हैं, बारिश होने के बाद वो भी थक जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है। फिलहाल मैं ऐसे ही संघर्ष करते करते अंदर जा रहा हूँ, ऊपर नीचे डर भी लग रहा है कि कैमरा गिर ना जाए। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे कितना अमेजिंग प्लेस है, ये बहुत ही प्यारा है। वाटरफॉल वाटरफॉल के जस्ट नज़दीक आ गए हैं, मतलब लगभग 50 से 60 मिनट की जो हमारी ट्रैकिंग थी वो मतलब पूरी सक्सेसफुल हो गई और हम यहाँ पहुँच आ गए हैं। ये देखिए कितना प्यारा है, और यहाँ पर एक वाटरफॉल ये है और ये दूसरा वाला वाटरफॉल ये है आगे में, और यहाँ पर ये जो मैं पूरा व्यू दिखा रहा हूँ ना, जब बारिश होती है रेनी सीजन है प्रॉपर जब रेनफॉल होता है, ये पूरा जितना पहाड़ देख पा रहे हैं ना ये पूरा उस साइड से पूरा इधर से पूरा कंटिन्यू पानी गिरता है, मतलब ये पूरा एकदम यू शेप में पूरा पानी गिरता है, बहुत ही प्यारा लगता है। मैं सिर्फ वैसे टाइम में सिर्फ एक बार ही आ पाया हूँ और वो बहुत ही मुश्किल से निकलना, इसलिए रेनी सीजन में कभी उसके बाद कभी इधर आया नहीं, हालांकि आना भी नहीं चाहिए, बहुत ही रिस्क हुआ था। कम से कम मैं 25 से 30 बार मैं गिरा था, हालांकि ज़्यादा चोट नहीं आई थी, बस पाँव में थोड़े बहुत चोट आए थे, बट बहुत बच के आना पड़ता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा रेनी टाइम में बिल्कुल इस साइड में ना आए। तो ये एक्चुअली जून एंड है, तो जून के एंड में या फिर जुलाई के स्टार्ट तक आप यहाँ आ सकते हैं, ये बारिश नहीं है। बाकी वेदर भी आप क्लाइमेट भी देख लीजिए, काफ़ी धूप ना हो, अर्ली मॉर्निंग आइए। तो मैं यहाँ इन्जॉय करता हूँ, बाकी चीज़ आपको दिखाता हूँ, तो आप भी हमारे साथ इन्जॉय करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तो चलिए इन्जॉय करते हैं। मैगी टाइम एक्चुअली इट्स 8:30 AM नाउ, सो अभी हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। तो मैगी लाए थे हम यहाँ से बाहर से प्रिपेयर करा के, हल्की हल्की गर्म है और फॉक नहीं था तो स्पून से काम चलाते हैं, तो खाते हैं। करना अपने आप में ही एक अलग एक्सपीरियंस है, बहुत सुकून मिल रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, इतना प्यारा आवाज लग रहा है पानी का, इतना पीसफुल है। फ्रेंड्स यहाँ हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं,
और एंजॉय करते करते एक प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि ऊपर में ये चट्टान देख रहे हैं अपना, एक चट्टान के ऊपर अपना बैग रख कर नीचे मैं आ गया था और यहाँ पर थोड़ा फोटो शूट वगैरह कर रहा था। ऊपर सारे बंदर, 3-4 बंदर आए और बैग के ऊपर पूरा अटैक कर दिए थे। फटाफट जाके बंदर को भगाना पड़ गया। तो ऐसी जगह थोड़ा सा सतर्कता बरतनी पड़ती है, अदरवाइज बंदरों का आतंक कहीं पर भी हो सकता है। ओके सो फ्रेंड्स, अगर इस जगह की बात मैं करूं, ये है लखनिया हिल्स वाटरफॉल। अगर आप गूगल करेंगे तो मिल जाएगा, इजीली आप आ सकते हैं। वाराणसी से प्रॉपर मेन सिटी से अराउंड 50 किलोमीटर डिस्टेंस पर है और ये डिस्ट्रिक्ट पड़ता है मिर्ज़ापुर के अंदर आता है। आप वाराणसी से रहेंगे तो नारायणपुर आएगा, नारायणपुर के बाद फिर अदलाहट, अदलाहट के बाद फिर आएगा अहरेवरा, फिर अहरेवरा से लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है। ये आउट एरिया पहाड़ों के साइड में है। ये जो मैंने लोकेशन बताया, ये लैंडमार्क की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ आप जब भी आइए तो एक चीज़ का कोशिश करिएगा कि यहाँ पर गंदगी ना करें। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि बारिश होती रहे उस टाइम मत आइएगा। जब बारिश का सीज़न स्टार्ट होता है, जैसे जुलाई फर्स्ट वीक हो या जून लास्ट वीक हो, जब एक दो बारिशें हुई होती तो आप आ सकते हैं। तो क्योंकि जब ज़्यादा बारिश होती है, ये पूरा एरिया जो है ना, पूरा आप एक फॉल देख रहे हैं, आगे इस साइड में दो फॉल है, बट ये पूरा जितना एरिया ना, पूरा का पूरा पानी गिरता रहता है, तो बहुत ही रिस्की हो जाता है। और ये इसके अंदर ये जो पानी दिख रहा है, इसके अंदर नहाने की बिल्कुल कोशिश मत करिएगा। इसके अंदर 8 या 11 ऐसे कुएँ हैं जो कि जिसकी गहराई बहुत ज़्यादा है। इसमें हर साल 6-7 लोगों की डेथ होती रहती है। तो बिल्कुल इससे बचें, इंजॉय करिए। इंजॉय अपनी जगह है, लेकिन रिस्क लेना सही नहीं है। तो आप सेफली यहाँ पर इंजॉय करिए, गंदगी मत करिए। और एक और रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूँगा कि मॉनसून आ रहा है, प्लीज़ प्लांटेशन करें। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा, ये जो समर था 46-47 डिग्री टेम्परेचर चला गया था। तो प्लीज़ प्लांटेशन करें। अगर एक मॉनसून में आप 10 पेड़ भी लगाते हैं, जिसमें से एक पेड़ भी बच जाता है, तो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी। तो प्लीज़ लगाएं। और एक और चीज़, अगर आप पेड़ नहीं लगा पा रहे हैं, तो आप जामुन खाते हैं, आम खाते हैं, उनके बीज होते हैं, आप उनके बीज को रख दीजिए पानी में धुलकर सुखाकर। कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, कार से जा रहे हैं, हाईवे के किनारे डाल दीजिए, या फिर ट्रेन से जा रहे हैं, ट्रेन के विंडो से डाल दीजिए, बाइक से जा रहे हैं तो ऐसी जगहों पर, बट ऐसी जगहों पर डालें जहाँ खाली जगह हो, डाल दिए, वहाँ अपने आप जम जाएगा, पेड़ जमेगा, वो बारिश के पानी से अपने आप जम जाएगा, अपने आप क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, वेदर के अकॉर्डिंग वो सर्वाइव कर जाएगा। तो प्लीज़ आप ऐसा करें, मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी ले आया हूँ, मैं आपको भी दिखाता हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए, ये जामुन के बीज हैं और कुछ आम के बीज हैं। ये मैंने ख़रीदा नहीं है एक्चुअली। बेसिकली ये क्या था कि हम घरों में ये सीज़न में खाते हैं, तो मैं खाया था घर में। ये बीज को मैं प्रॉपर रख कर धुल कर नॉर्मली डाल दिया, सूख गया था। और ये लेकर कैरी कर रहा हूँ मैं, पहाड़ों में आया हूँ, खाली स्पेस है तो यहाँ पहाड़ों में डाल दूँगा। क्योंकि यहाँ पहाड़ों में क्या होते हैं ना, अगर एक एक बीज ऐसे मैं फेंक दूँगा इधर, तो ये क्या होगा, पानी आएगा तो ये जमेगा। इसे दो फायदा होता है, एक तो इन्वायरमेंट हमारा प्योर होता है, हमारी शुद्ध हवा मिलेगा, वातावरण अच्छा होगा। दूसरा ये होता है, जंगली जानवर होते हैं, वो उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, तो वो शहर की तरह वो भी पलायन करे। क्योंकि जंगलों में क्या होता, पहले बहुत सारे पौधे होते थे, पेड़ होते थे, उन्हें फल लगते थे, तो वो लोग खा लेते थे। बट अभी जंगल भी ख़त्म हो रहे हैं और जो हैं भी वो कटीले पेड़ पर, उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, तो डेफिनेटली वो जंगल से शहर की तरह पलायन करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ बारिश स्टार्ट हो गई है, तो अभी डर ये है ज़्यादा बारिश ना हो, क्योंकि ज़्यादा बारिश होने पे क्या होता है ना, ये जिस रास्ते से हम लोग आए हैं वो रास्ते के निशान मिट जाते हैं और ये पत्थर जो है नॉर्मल पत्थर बहुत तेज़ स्लिप करने लग जाते हैं, तो प्रॉब्लम होती है। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं फटाफट, और हम और दीपक आए हुए थे, अभी तक आप लोगों ने दीपक से नहीं मिले। ये दीपक है, ये जो बिहाइंड कैमरा था, तो मैं ऑन द कैमरा था, ये बिहाइंड कैमरा, तो इससे आप लोग नहीं मिले, मिलिए। अभी हम दोनों जा रहे हैं, दीपक अभी एक बैग में जिसमें हमारे गैजेट्स वगैरह हैं, कैमरा वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें उसके अंदर हैं, दीपक रेनकोट से ढक लिया उसे, और बाकी जो खाने पीने की चीज़ें हैं इस बैग में हैं, तो मैं ऐसे ही लेकर जा रहा हूँ। तो चलिए फटाफट निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पर
कैमरा ऑन करना चलना बहुत ही मुश्किल है। सीधे निकल के यहाँ देखिए कितना खाई है, यहाँ स्लिप करके यहाँ से हमें उतर कर ऐसे से जाना है और पहुँच के सीधे अंदर जाएंगे। तो कैमरा बंद करता हूँ, फिर आगे सेफ जोन में जाकर फिर आप लोगों से मिलता हूँ। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ काफ़ी एंजॉय किया और अब यहाँ से मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। होप आप लोग भी काफ़ी एंजॉय किए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब, और आप जिनके साथ भी यहाँ आना चाहते हैं ट्रिप प्लान करना चाहते हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो गेट टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।